हे गाइस, स्वागत है सबका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही चुका होगा इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो गाइस, फाइनली Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 का जो स्मार्ट साइड बार APK है वो अवेलेबल हो चुका है। तो गाइस, फिलहाल देखिए मेरे पास Realme XT डिवाइस है और मेरे डिवाइस में मैं इस साइड बार को इनेबल करके रखा हूँ, इंस्टॉल करके रखा हूँ। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए। तो गाइस, अगर आपके पास Realme X, XT, X2, X7 किसी भी Realme डिवाइस है जिसमें Realme UI 2.0 जीरो सपोर्टेड है, तो आप इस एपी को फाइल के आपका डिवाइस में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और आप इसका यूज भी कर सकते हो। तो गाइस देखिए, ये जो स्मार्ट साइड बार है इसका लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली आपको Realme UI 3.0 या फिर ColorOS 12 पे आपको देखने को मिलेगा। इसका जो APK है वो अभी अवेलेबल हो चुका है। तो गाइस देखिए, इसका जो लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। नीचे में देखिए आपको जस्ट एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एडिट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप देखिए, आप किसी भी एप्लीकेशन को इधर ऐड कर सकते हो। फिर आपको टूल में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पॉकेट मोड, आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो Realme UI 2.0 के साथ आता है। जो एप्लीकेशन है आप आपका डिवाइस में इंस्टॉल आप कहां से कर सकते हो। तो गाइस देखिए, मैं बेसिकली ये जो एप्लीकेशन का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल चुका। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर लो, लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में। तो आप जस्ट ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने के बाद आपको कुछ इसी तरह एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा बिल्कुल लास्ट में। आपको जस्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको इंस्टॉल पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट आपको इंस्टॉल पैकेज के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका डिवाइस में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए, मेरे डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको जस्ट यहाँ पे ऐप इंस्टॉलिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे ऐप इंस्टॉल, मेरा डिवाइस में ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। तो गाइज, अगर आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हो, आपको अगर ये जो स्मार्ट साइड बार है अच्छा नहीं लगता है, तो आप पुराना वर्जन वापस भी जा सकते हो। जस्ट आपका डिवाइस में आपको सेटिंग ऑप्शन में जाना होगा। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको जस्ट ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन में जाना होगा। तो गाइस देखिए, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। जस्ट को ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन में जाना होगा और फिर से आपको ऐप लिस्ट में जाना होगा। ऐप लिस्ट में जाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो लोडिंग हो रहा है, आपको जस्ट थोड़ा सा टाइम वेट करना है। तो गाइस यहाँ पे फिर देखिए, ऊपर में आपको टू डॉट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको शो सिस्टम में ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में देखिए सर्च बार देखने को मिल जाएगा। इधर आपको स्मार्ट साइड बार लिखना है। तो गाइस देखिए, मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ स्मार्ट साइड बार। तो गाइस देखिए, ये रहा है एप्लीकेशन, यहाँ पे आ चुका है स्मार्ट साइड बार। जस्ट आपको स्मार्ट साइड बार ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऊपर में टू डॉट देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, अनइंस्टॉल अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको अनइंस्टॉल अपडेट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको ओके ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस देखिए, ये जो एप्लीकेशन है स्मार्ट साइड बार, ये यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है। मतलब आपका डिवाइस में जो पुराना वर्सन था उसमें ये एप्लीकेशन वापस आ गया है। तो फिलहाल देखिए, मेरा डिवाइस में जो पुराना वाला जो था Realme UI 2.0 का, वो यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपको ये जो स्मार्ट साइड बार Realme UI 3.0 का पसंद नहीं आता है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर लेना। तो गाइस देखिए, बेसिकली मेरे पास Realme XT डिवाइस है और इस डिवाइस में Realme UI 2.0 अपडेटेड है और मैंने इस डिवाइस में इसको ट्राई करके देखा, लेकिन मैंने Realme UI 1.0 जिन सारे डिवाइस में इंस्टॉल है Realme का, उन सारे डिवाइस में मैं ट्राई करके नहीं देखा। तो गाइस, आप एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपके पास Realme UI 1.0 Android 10 बेस्ड डिवाइस है, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका डिवाइस में ये इंस्टॉल होता है या फिर नहीं। तो गाइस, आप जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय, जय हिंद।